मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 23rd of March और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है अभी 9:30 पर। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है और आज मैं जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं और शोपीस वगैरह है वो सब मैं आज क्लीन कर रही हूँ। तो नीचे मैं निकाल चुकी हूँ, जो ऊपर है ये भी मैं निकालने आई हूँ, फिर मैं इन सबको एक साथ में अच्छे से क्लीन करूँगी। ऐसे यहाँ से, हाँ तो ये जोड़ूंगी ना, ये नहीं ऐसे ऐसे तो पैरे की कौन सा फिर पता क्या करी मैं इतनी देर से सोच रही हूँ, आपको पता नहीं चल रहा किया आपने अपने कभी वैसे ऐसे कि चारों तरफ से पैक कर दिया और पहनू एक याद रहता है सुमन बिजली कड़कड़ा रही है, उतारने कपड़े, मिट्टी की बारिश से सारी कपड़े गंदे हो जाएंगे, दोबारा बारिश आएगी बोले पड़ेंगे ना इतना चैन। यार मैं इतना थक गई थी ना कुछ देर के लिए, सोना चाहती थी, बट बाहर इतनी तेज आंधी चल रही है कि सारे खिड़की दरवाजे लॉक्ड होने के बाद बहुत तेज आवाज आ रही है पूरे घर में, सोया ही नहीं जा रहा है। कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रहा आंधी? बताओ मम्मी, अब मैं इसमें वो क्या बोलता है सौंठ डालूं या सिर्फ नींबू? मैं गोली नहीं खाऊंगी, आयुर्वेदिक की नहीं, मैंने आपके लिए बनाई है, आपको खानी पड़ेगी। नहीं भाई वो तो फिर आयुर्वेदिक की तो नुकसान देंगे। मम्मी तू खा ले चाय, डालो डाल एक चम्मच नींबू तो डालो, बिना नींबू के अच्छी नहीं लगेगी। जितना इमली डाल जितना नींबू भी डालते हैं जरा सा देखो खा के, अगर आपको जरूरत लगेगी तो मैं डालूंगा। प्याज डाल के तो खा लेते हैं। पसंद आई? तेरा खाए थे ना? ये अच्छी लगी? पापा को ही पसंद है। पापा थोड़ी खाने देख ले। नहीं मैं अभी नहीं, अब मैं बस खाना। जरा सी है। खाना खा रही हूँ। ज्यादा हो जाएगी चने दाल में? नहीं होगी, खा। अरे जरा सी पकड़। अरे खा लो एक चम्मच का पकड़ते हैं। मम्मी आज डिनर के लिए बना रही हैं स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी, तो उसके लिए मम्मी ने लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें डाला है ज़ीरा और चॉप्ड टमाटर ऐड किए हैं, थोड़ा सा डाला है नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी वो इसमें ऐड करेंगी रेड चिली और थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल वही बेसिक मसाले। और बहुत इजी होती है इसकी सब्ज़ी बनाना, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जब टमाटर थोड़े से गल जाएंगे उसके बाद मम्मी ने इसमें ऐड किए हैं आलू, और आलू ऐड करने के बाद जो स्प्रिंग अनियन कट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देनी है। बस इसमें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसकी पूरी रेसिपी में कि ये बिल्कुल जब तक पक कर अच्छे से डार्क ब्राउन नहीं हो जाती है ना, तब तक ये खाने में मतलब नहीं इतनी अच्छी लगेगी, अगर सिर्फ आपने इसको येलो येलो रखा है तो। बस पापा आए हैं अभी और वो लेकर आए हम सबके लिए कचौरी, दाल की कचौरी है ये मम्मी की फेवरेट। गाइस आज है नेक्स्ट डे
और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया था अपना फेवरेट महाराष्ट्रियन स्टाइल कांदा पोहा। घर में बाकी सबको जो मम्मी का मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था टैंगी फ्लेवर वाला जो पोहा है, घर में सबको वो पसंद है, बट मुझे जो महाराष्ट्र स्टाइल पोहा बनता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने वो बनाया था आज और ब्रेकफास्ट किया है। और आज मुझे करनी थी थोड़ी सी किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज, लेकिन आंटी थोड़ा सा जल्दी आ गई हैं आज, तो मैं वो नहीं कर पाई। अब वो हम कल करेंगे। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, अब हमारे पास टाइम है, तो वो मछली बनाएंगे हम लोग होली के लिए, मछली वगैरह बनेगी आज। यूजुअली हम शाम को या फिर रात में बनाते हैं, बट आज शाम को मैं शायद इडली सांभर बनाऊंगी, इसलिए अभी हमारे पास टाइम था, क्योंकि मम्मी ने लंच के लिए भी, आपको पता है हम ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद लंच भी, मतलब जो सब्ज़ी बनी होती है वो बना देते हैं, तो वो भी हो गया है। मम्मी ने आज भिंडी बनाई है और दो मोटी है, ये बड़ी बड़ी सही है ना, क्या बड़ी वो लेना। मेथी भी दे सकते हैं, लेकिन हमको लेने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगे। मार्केट में मेथी वाली आती है, कसूरी मेथी, वो दे नमक सब अंदाजे से चल रहा है ना, अंदाजे ही है मुझ सही है। और अभी से पहले से थोड़ा सुख मिला एक पाव से कम हुए 200 ग्राम, इसको मिला लो। एक किलो इसमें लोग ऐसे ही पानी छोड़ दें ना, वो मतलब अच्छी नहीं बनती, इसको मतलब ऐसे करें बिल्कुल, इसकी गांठ बन जाए ना, तो कहीं मोन ज़्यादा रहे इसमें, कहीं कम रहे, तो इसे ऐसे करके देखें अच्छी तरह से मलें, और फिर इसमें पानी डालें सारे को, खूब अच्छी तरह मलाएं। तो ज़्यादा गैस हो, इसकी ये पहचान है, बस ऐसा होना चाहिए फिर। मम्मी ने आधे घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए रखा था, और अब हो गया। मैं इसका बनाना स्टार्ट करूँगी मठरी किचन प्लेटफॉर्म पर ही। मैं इसे थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ और वापस